हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्नर का। आज हमारे कोर्स का चैप्टर नंबर 12 है और आज इसमें हम सीखने वाले हैं व्हाट इज लेजर एंड ग्रुप सेल टैली। इससे पहले चैप्टर में हमने सीखा था व्हाट इज वाउचर इन टैली एंड टाइप्स ऑफ वाउचर। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप वह वीडियो देख सकते। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले हम बात करते हैं लेजर की। लेजर क्या होता है? लेजर का मीनिंग होता है खाता खोलना। माना आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको आप उधार में भी माल बेचते हैं और कैश में भी माल बेचते हैं। किस कस्टमर से कितना पैसा लेना है या किस कस्टमर को हमने कितना माल बेचा है या किस कस्टमर से कितना पैसा हमें मिल चुका है, यह सब पता करने के लिए हमें हर कस्टमर का अलग से खाता खोलना होता है। इसकी मदद से हम आसानी से यह पता कर सकते हैं कि हमें किससे कितना पैसा लेना है। टैली में इस खाते खोलने को लेजर बोलते हैं। तो एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है और इसमें कैसे हिसाब किताब रखा जाता है। तो मैंने मोहन के नाम का एक अकाउंट बना लिया है। ये लेजर का ऐसा फॉर्मेट होता है। ऊपर आप देख सकते हैं मोहन अकाउंट लिखा है, यानी इस खाते में सिर्फ उनका ही हिसाब किताब रखा जाएगा। जितने भी आपके कस्टमर हैं आप सबका लेजर ऐसा बना सकते हैं। तो ऊपर देख सकते हैं नीचे ऊपर लिखा हुआ है मोहन अकाउंट, उसके नीचे लिखा हुआ है लेजर अकाउंट और उसके नीचे एड्रेस। आप जो भी आपके कस्टमर हैं उनका नाम डाल के उनका एड्रेस आप देख सकते हैं। नीचे 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 फॉर्मेट में लिखा हुआ है डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट। तो माना मैंने 1 तारीख को फोन को माल बेचा है, तो मैं इधर माल बेचा है तो इधर मैं सेल्स लिख देता हूँ और वाउचर नंबर में लिख देता हूँ। माना 5000 रुपए का मैंने फोन को माल बेचा है। अगर मोहन को माल मैं बेच रहा हूँ तो इधर मैं अमाउंट है डेबिट साइड एंटर कर दूंगा। उसके बाद मैंने फिर से मोहन को 3 तारीख को माल बेचा है, तो इसमें भी मैं सेल्स कर दूंगा और वाउचर नंबर डाल देता हूँ मैं। तो फिर से मैंने उसको 3000 रुपये का माल बेचा है। टोटल मैंने उसको 2 बार में 8000 रुपये का माल बेचा हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं इधर अभी जो मोहन से टोटल मेरे को पैसे लेने का है वह 8000 रुपये लेने का है। तो 5 तारीख को उसने मेरे को 4000 रुपये दिए दिए। तो मैं इसको इधर रिसीव करके इधर डाल देता हूँ, वाउचर नंबर में 3 डाल देता हूँ। अगर मोहन ने मेरे को पैसे दिए हैं तो उसको मैं क्रेडिट साइड में लिख देता हूँ। 4000 रुपये से मैं मोहन का अकाउंट क्रेडिट कर देता। अब कभी भी आप मोहन का अकाउंट देख कर यह बता सकते हैं कि मोहन को आपने किस डेट को कितना माल बेचा था और टोटल कितना माल बेचा था और मोहन ने हमें कितने पैसे दिए हैं और कितना पैसा हमें मोहन से अभी देने का। तो आप देख सकते हो जैसा कि 1 और 3 तारीख को मोहन को 5 और 3 कुल मिलाकर 8000 रुपये का माल बेचा था, जिसमें 5 तारीख को मोहन ने हमें 4000 रुपये दे दिए। अभी मोहन से हमें 4000 रुपये और लेने का है। तो ये होता है दोस्तों एक लेजर बनाने का फॉर्मेट। इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि किसका हिसाब किताब में क्या चल रहा है, किससे हमें पैसे लेने हैं। तो दोस्तों आई होप आपको लेजर क्या होता है यह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम ग्रुप के बारे में। देखा जाए तो ग्रुप एक तरह का कलेक्शन होता है ढेर सारे लेजर्स का, और किसी भी लेजर को बनाते समय हमको उसे एक ग्रुप में रखना होता है, क्योंकि हर एक ग्रुप का अपना एक पार्टिकुलर नेचर एलिमेंट डिफाइन किया गया है।
टैली में टोटल 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। लेजर बनाते टाइम हमें ग्रुप का सिलेक्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम ग्रुप का सिलेक्शन अच्छे से नहीं करते हैं तो टैली में हमारी जो रिपोर्ट तैयार होंगी वह बिल्कुल भी सही नहीं होंगी। माना हमारे कस्टमर हैं जिनको हम माल बेचते हैं, माना हमारा कस्टमर है गुप्ता ट्रेडर्स जिसको हम अपना माल सेल कर रहे हैं। अगर टैली में हम गुप्ता ट्रेडर्स का लेजर बनाते हैं तो उसको हमें सन्ड्री ट्रेडर्स के ग्रुप में रखना होता है। या एक कंपनी है जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं, उसका नाम है रमेश एंड कंपनी। अगर इस कंपनी का मैं लेजर टैली में बनाता हूँ तो इस कंपनी को मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में रखूंगा। अगर जिस कंपनी को सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में रखना है उसको मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में रख देता हूँ, या जिस कंपनी को सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में रखना है उसको अगर मैं सन्ड्री डेटर्स कर देता हूँ तो हमारी जो रिपोर्ट तैयार होगी वह बिल्कुल भी सही नहीं होगी। इसलिए हमें टैली में ग्रुप का सिलेक्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माना मैंने कैश का लेजर अगर बनाया है तो कैश का लेजर बनाते टाइम जो ग्रुप सिलेक्शन होता है वह कैश इन हैंड सिलेक्ट होता है। या मैंने अगर कोई बैंक का लेजर बनाया है तो बैंक का लेजर बनाते टाइम जो ग्रुप सिलेक्शन करना होता है वह बैंक अकाउंट सिलेक्शन करना होता है। ऐसा कि टोटल पूरे टैली में 28 ग्रुप दिए हुए होते हैं। हमें कौन से लेजर में कौन सा ग्रुप बनाना है यह हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ परचेज एंट्री। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।